कि आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके वुडवर्क में क्या फिनिश होनी चाहिए, तो मैं आपको 6 एपिसोड्स में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये एपिसोड 3, और मैं आपको बताऊंगा कि लैमिनेट, वीनियर, डेको, एक्रेलिक और पीयू की ईज ऑफ एप्लीकेशन किस जगह है, इसको कैसे और किस तरीके से लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लैमिनेट की, क्योंकि लैमिनेट एक प्लेन सरफेस पे लगेगा तो इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। कोई भी कारपेंटर एडहेसिव से इसको आराम से लगा लेता है, बस इसकी एजेस का ध्यान रखना है कि एजेस शार्प ना रहें। सेकंड एप्लीकेशन है एक्रेलिक की। एक्रेलिक जनरली फैक्ट्री पेस्टेड एलिमेंट्स पे ही आती है लगी लगाई, तो आप अपने डिजाइनर या अपने कारपेंटर को बोलिएगा एक्रेलिक वो ले जो ऑलरेडी फैक्ट्री फिटेड हो, जो ऑलरेडी प्री लैमिनेटेड हो, उसकी एप्लीकेशन आसान हो जाएगी। तीसरी आती है विनियर। विनियर एक एक्सपर्टीज का काम है, तो एक अच्छा कारपेंटर होना ही चाहिए जो सही से विनियर को पेस्ट करे, और एक अच्छा पेंटर उसकी सही से सैंडिंग, पॉलिशिंग और ग्रूव्स को मैच करा दे। चौथा आता है डिको फिनिश। डिको अगेन पेंट की फिनिश है, तो ये पहले MDF या HDF पे लगाई जाती है, तो कारपेंटर पहले बोर्ड लगाएगा, उसके बाद MDF लगाएगा, और उसके बाद पेंटर उसे स्प्रे पेंट से डिको करेगा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है उसके जॉइंट्स, कि दो एलिमेंट के बीच के जॉइंट्स जो है ना वो ढंग से मिल जाने चाहिए। एंड सबसे आखिरी में आता है PU फिनिश। ये हाईली एक्सपर्टीज का काम है, इसको कोई भी कारपेंटर या कोई भी पेंटर ऐसे ही नहीं लगा सकता। कारपेंटर को जॉइंट्स अच्छे से मैच करनी है, और पेंटर को 3-4-5 बार सैंडिंग करनी है, बार बार मल्टीपल कोट्स के दौरान इसकी पॉलिशिंग करनी है, बार बार इसकी फिनिश डालने से पहले इसकी क्लीनिंग करनी है, तो ये काफी एक्सपर्टीज का काम है।